क्या आपको लग रहा है सियासी जमातों को देखिए, आगे आकर नहीं, लाए नहीं, मुरतब नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा। देखिए, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के हिसाब से कह रहा हूँ। अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है, हकूक दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक ऑर्डर पे लगता है, इन्हें लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है और बागते चोर की लंगूठी ही सही। अगर ऐसा है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लैरिफाई। हम जैसे लोग जो कहते थे कि इंटेग्रेशन ऑफ पीपल इनटू जम्मू एंड कश्मीर तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हकूक दिए जाए जो हिंदुस्तान के आईन में सब हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए है। आए दिन जो ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, इन ऑर्डरों से लगता है कि जो ये हुक्मरान इस वक्त हैं, इनको भी लग रहा है कि शायद हम कहीं किसी को हमने कॉन्कर किया है। शायद जम्मू कश्मीर, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कॉन्कर किया गया और जिस वक्त जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम इसको लूटते जाएं। लूटने का मकसद नहीं है कि वो घर ही अपने लूटे जाए, वो हर एरे गेरे नथुकरों को ला के यहाँ बसाना चाहते हैं और इसकी कतन इजाज़त नहीं हम देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग ठीक है, इस वक्त शायद लोग चुप बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं सियासी जमातें खाली रिएक्शन दे रही हैं, तो सियासी जमातें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को। और एक दिन ऐसा आएगा लोग जब निकलेंगे फिर ये हुक्मरान अपनी पीठ दबा के भाग जाएंगे, जैसे हमने देखा है हर वक्त हुआ है। जब भी फिर लोग उठे तो हुक्मरान भाग जाते हैं ना पीठ दबा के। सर, अगर देखा जाए यहाँ